अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये तो कुपोषण दूर करने का काम सब महिलाएं से बैठे हैं बच्चों का, लेकिन अब क्या करें, ये कुछ शिकार हो रही है। और किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँची कलेक्टर कार्यालय? स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं सर ये जी, और ये लेके ज्ञापन देने यहाँ पर हम कितनी बार ही आ गए, लेकिन हमारे ज्ञापन का अभी तक हमको कोई अनुशासन नहीं मिला है। तो हमारी मांग ये है कि हमारा 2000 मानदेय से बढ़ाकर हमारा 9000 करा जाए, उसके बाद हमको परमानेंट किया जाए। मैं कन्नौज ब्लॉक से हूँ। कुछ थाली को लेके भी, बच्चों की थाली को लेके रेट बढ़ाने की मांग है आपकी? जी हाँ, वही मांग है मानदेय बढ़ाने। थाली का रेट बढ़ाने की मांग ये है कि बच्चों की थाली पे सिर्फ हमें 6000 रुपये प्राप्त होते हैं। इस आवाज में हमें 6 रुपये से लेके 8-10 रुपये करे जाए, और जो 8 रुपये रेट है जिस थाली का, उसका 15 रुपये रेट करा जाए। बच्चों को 6 रुपये में हम रोज मेन्यू अनुसार खाना किस तरह से दें। 6 रुपये में तो आ रही है चाय भी नहीं आ रही है, चाय भी 10 रुपये की पड़ रही है। तो हम महिलाएं वो भोजन कैसे उनको बच्चों को लगा के दें? और टीचर बोलता है कि मेन्यू अनुसार खिलाओ हमें। कितनी महिलाएं पूरे जिले की आप? कितनी महिलाएं? हम तो 3500 महिलाएं। ठीक है, हाँ। अभी आप कलेक्टर कार्यालय पहुंची, अभी कब तक बैठेंगे धरने? बैठ गए तो अनिश्चित धरने पे सर, जब तक हमको आश्वासन नहीं दे, हमें कुछ मिले नहीं, आश्वासन नहीं मिले, जब तक हमको कुछ तसल्ली नहीं मिले कि हमारा कुछ होएगा, कुछ हमारे पे कुछ ध्यान ही नहीं है ना, तो कोई भी प्रशासन व्यक्ति को, कोई भी सरकार का कुछ ध्यान ही नहीं है हमारी ओर। कितने दिनों से आपकी हड़ताल चल रही है? हमारी हड़ताल 4 दिनों से चल रही है, 1 अगस्त से। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम भगवंता राठौर।